नवरात्रि में किस प्रकार से करें साधना और माँ भगवती की आराधना करने से क्या लाभ होता है? नवरात्रि का मुहूर्त कलश स्थापना कितने बजे करें, कितने मिनट से है? आइए जानते हैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए चर्चा करते हैं हम लोग नवरात्रि के विषय पर। वैसे तो वर्ष में चार नवरात्रियां होती हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि, और माघ शुक्ल पक्ष से नवमी तक गुप्त नवरात्रि, और शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी। चारों नवरात्रियों का अपना अपना एक महत्व है। सभी जगह चारों माँ भगवती की आराधना करने के लिए श्रेष्ठ और उत्तम है। तो आइए 2023 15 अक्टूबर से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसकी हम लोग कब स्थापना करें, कैसे करें, और नवरात्रि में आराधना करने से क्या लाभ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एवं निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को प्रातः 8:23 से 11:48 तक आपके लिए कलश स्थापन, घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त और श्रेष्ठ है। इसमें आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। षोडश मात्र का, सप्तग्रत मात्र का, 64 योगिनी, नवग्रह मंडल इत्यादि चक्र बनावें और उस पर प्रधान कलश स्थापित कर करके आप अनुष्ठान को प्रारंभ करें। जवारे भी आपको बोना है तो इसी दिन आपको बेना है। इसके बाद आप 23 तारीख तक नवमी पर्यंत इस प्रकार से अनुष्ठान करें, और 23 तारीख को माँ भगवती का नवमी है, विसर्जन, उस दिन आप अनुष्ठान को संपन्न, हवन इत्यादि करें। जो भी इस नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करता है, माँ दुर्गा की कृपा उस पर सदैव विशेष रूप से बरसती रहती है। अलग अलग प्रकार की कामनाओं के लिए बहुत विस्तार है वैसे पुराणों में। यदि किसी को धन और पुत्र अथवा विवाह में विलंब है, ऐसे व्यक्ति के लिए ओम सर्वाबाधा पुनर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस महामंत्र का संपुटित कर करके अनुष्ठान करावे, अवश्य ही माँ भगवती की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बरसती रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।